पिलाने आम सी एस टी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ ईसुविद्या मध्यम तुम मानक जो शिक्षा दि जा जो देवभाषा व संस्कृत आम पढ़ाचु तुम मैने ग्रहण करने तत्पर हो उठ तेणु तुमर किसी उपकार हम यह द्वारा अनुभव करेणु तुम मानको सहयोग करमको यही पाठपढ़ तेणु तुम मानक मु हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँ आम आज पढ़वा विषय सत्यम तेरे से सत्यम विषय लेखक किए एवं से क्यों पुस्तक आसी ए संबंधे आम पढ़वा ते विद्वानमणि डाक्टर केशव चंद्र दास इदानीतन जुगे संस्कृत साहित्येशु अग्रगण्य भवति तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि तस्य पुस्तकेषु एकदा इति लघुकथा संग्रह ग्रंथः अन्यतमः अयं विषयः तस्मात् कथाग्रंथात् उद्धृतः तबे विद्वान मणि अर्थात विद्वान मानक मध्यरे मणि सदृश अर्थात अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति डाक्टर केशव चंद्र दास इदानीतन जुगे संस्कृत साहित्येषु अग्रगण्य भवति से केशव चंद्र दास इदानीतन जुगे इदानीतन बोले वर्तमान काल रे सांप्रतिक काल रे संस्कृत साहित्येषु संस्कृत साहित्यिक मानक मध्य अग्रगण्य भवति से अग्रगण्य अटंती अर्थात संस्कृत साहित्यिक मानक मध्य विद्वान मानक मध्य से जड़े श्रेष्ठ विद्वान बा अग्रगण्य भाव परिचित हूँ तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि तेन तांको द्वारा अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि अनेक गुड़िए पुस्तक रचना करा जाइछि अर्थात डाक्टर केशव चंद्र दास अनेक गुड़िए पुस्तक संस्कृत साहित्य रे रचना करिछन्ति तस्य पुस्तकेषु एकदा इति लघुकथा संग्रह ग्रंथ अन्यतम ते तांकर पुस्तक मानक मध्यरु एकदा नामक लघुकथा संग्रह गोटे क्षुद्र कथा संग्रह बोले गल्प संग्रह कथा अर्थ कौन ना गल्प तेणु गल्प संग्रह से लघु गल्प संग्रह अर्थात क्षुद्र गल्प संग्रह तेणु से क्षुद्र गल्प संग्रह ग्रंथ अन्यतम ग्रंथ अन्यतम अटे तेबे से ग्रंथरे से सब विभिन्न गल्प रचना करिछंती पुस्तक मानक मध्य लघु कथा संग्रह ग्रंथ एकदा से एकदा नामक पुस्तक अन्यतम अटे अयं विषय तस्मात् कथा ग्रंथात् उद्धृत तेबे यही जो विषय अयं विषय यही विषयटी तस्मात् कथा ग्रंथात् से कथा ग्रंथरु बा जो गल्प ग्रंथरु ता उद्धृत होइछि अर्थात से क्षुद्र गल्प सत्यम यही सत्यम गल्पटी एकता नामक पुस्तक जहाँ को रचना करछन्ति विद्वान संस्कृत विद्वान केशव चंद्र दास से तांकर एकता नामक गल्प ग्रंथरु आमर सत्यम विषयटी आसी तबे आमे प्रथम अनुच्छेद पढ़िबा अन्यदिहु पितामही अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति पुलोमजा उपाधान निकटे उपविश्य तस्या मुखं पश्यति माधव
किंचित विरक्त भूत्वा अवदत् पितामही कथं न समापयसि अद्य किं कथां न श्रावयिष्यसि। पितामही पूर्ववत् सनई रूप विशति कंठं परिष्करोति जृम्भा मुखेन आरभते। एकदा तेब अन्य दिहु पितामही अन्य दिहु अन्य एक दिन रे अन्य दिहु तार अर्थ है अन्य एक दिन रे पितामही पितामही बोले पितांकर माँ हेले कौन पितामही अर्थात जेजे माँ ओलिंदे उपविश्य ओलिंद शब्दर अर्थ कौन ना बारंडा तेणु ओलिंदे कहले कौन ना बारंडारे तबे पितामही जेजेमा अन्य एक दिन रे ओलिंदे उपविश्य अर्थात बारंडारे बसी जपमग्ना अस्ति से जपमग्ना थांति अर्थात भगवत साधन जो जप करिबा आउछि श्रेष्ठ यज्ञानां जप यज्ञोस्मि भगवान कृष्ण श्रीमद गीतारे कहिछन्ति सेई जपमग्न थिले अर्थात से भगवान को ध्यान करूथिले जप करूथिले भगवान कर नाम नौथिले किए नौथिले ना पितामही अर्थात जेजेमा अलिंदे उपविश्य बारंडारे बसी जपमग्ना अस्ति से जपमग्ना थांति। पुलमजा उपाधान निकटे उपविश्य तस्या मुखं पश्यति पुलमजा से कौन करछि ना उपाधान निकटे बोले तकिया निकटे उपाधान हला कौन ना तकिया तेणु उपाधान निकटे उपाधान हला तकिया से तकिया निकटे उपविश्य बसी तस्या मुखं पश्यति तहार मुख को देखुछि पुलमजा से हूँ से कौन तार जेजेमा से जपमग्न होती से ही समय बसिकी बसी पुलमजा पाखरे उपाधान निकटरे पुलमजा बसी तस्या मुखं पश्यति तार मुख को देखुछि अर्थात जेजेमा केमिति निमग्न होती जपरे एवं जपरे से मजि जाई तांकर मुख को मुह को देखुछि। माधव किंचित विरक्त हुत्वा अवदत् माधव किछि विरक्त होई अवदत् भूत्वा हला कौन ना होई भूरुत्वा प्रत्यय हेले भूत्वा होई तबे से विरक्त होई माधव कौन कले भूत्वा भूरु त्वा भूत्वा अर्थात होई अर्थात किछि विरक्त होई अवदत कहिले पितामही हे जेजेमा कथं न समापयसि काहीं कि समाप्त करुना अर्थात जप काहीं कि समाप्त करुना पिला माने पितामही कौन हम पितामही ये केउ विभक्ति होची ना प्रथमा विभक्ति संबोधने प्रथमा अर्थात जहाँ को संबोधन आम करवाठारे हम प्रथमा विभक्ति ते मातामही को किए संबोधन करुची ना माधव तेणु पितामही माधव किंचित विरक्त भूत्वा अवदत् माधव किछि विरक्त होई कहिला पितामही हे जेजेमा कथं न समापयसि काहीकि जप समाप्त करुना अद्य किं कथां न श्रावयिष्यसि अद्य अद्य हला गोटे अव्यापद अद्य अर्थ कौन ना आज तेणु आज किं कथां न श्रावयिष्यसि
ଆଜି କ'ଣ କଥା ବୋଲେ ଗଳ୍ପକୁ ନ ଶ୍ରାବ ଇଶେଷି ବୋଲେ ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ। ପିତାମହୀ ପୂର୍ବବତ ସନଇ ରୂପ ବିଶତି, ପିତାମହୀ ବୋଲେ ଜେଜେମା ପୂର୍ବବତ ପୂର୍ବପରି ସନହି ଉପବିଶତି, ସନଇ ରୂପ ବିଶତି, ସନହି ଯୋଗା ଉପବିଶତି। ତ ସନହି 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 ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସନହି ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟପଦ। ତେଣୁ ସନହି ଉପବିଶତି, ପିତାମହୀ ପୂର୍ବବତ ସନହି ଉପବିଶତି। ପିତାମହୀ ବୋଲେ ଜେଜେମା ସେ ପୂର୍ବପରି ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ବସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଂ ପରିଷ୍କରୋତି ଏବଂ କଣ୍ଠକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ଭାବୃକ୍ଷେଣ ଆରଭତେ ବୋଲେ ହାଇ ମାରି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ନା ଏକତା ନାମକ ଗପ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।